हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विदान किचन। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल विदान किचन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के पापड़। आलू के पापड़ हर कोई बनाता है और अपना अपना एक तरीका होता है और काफी टेस्टी और डिलीशियस बनता है। तो आलू के पापड़ हम जरूर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे ये आप जरूर देखिए, इसे किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं। तो आलू को आपको उबालना है, अच्छे से धो के कुकर में पानी डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डाल दीजिए। नमक इसलिए ताकि ओवर कुकिंग की वजह से आलू फटकर बिखरे ना पानी में। तो 2 सीटी आने तक इसे पकाना है, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। आलू आपके पक जाएंगे और फिर आपको छीलना है, तो मैं आलूओं को छील लेती हूँ। यहाँ पर आलू के पापड़ की रेसिपी बहुत इजी है, टेस्टी है, गर्मियां है, धूप है, तो आप जरूर बनाइए और इसे स्टोर करके रखिए और फिर बरसात में इसे एंजॉय कीजिए। इस तरीके से आपको आलू को छील लेना है। आलूओं को मैंने अच्छे से छील लिया है, इनके छिलके उतर गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरह से ग्रेटर लेना है, आप छोटा बड़ा जैसा आपको कंफर्ट लगे आप वैसा लीजिए और इस तरीके से आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से फायदा ये है कि लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, काफी स्मूथ आलू हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप मैसर का यूज कर सकते हैं, हाथों का यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। कुटा हुआ लाल मिर्च, जैसा भी आपको स्पाइस पसंद है, ज्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पे जीरा, आप चाहें तो जीरे की जगह काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और ये सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू का पापड़ बहुत ही सिंपल बनता है और काफी टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लेवर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अच्छे तरीके से मसल मसल कर हमें इसे मिक्स करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप आटे का डो रेडी करते हैं। आलू हाथों में अच्छे तरीके से चिपक रहा है, इसकी टेंशन आप ना लें, अच्छे तरीके से पहले इसे मैश करें। तो आलू अच्छे से मैश हो गया है, तो अब जरूरत है हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाने की। तो मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ और ऑयल लगाने से ये होगा कि आलू जो अच्छे से चिपक रहा है उसका स्टार्च वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा और एक बाइंड बन जाएगा। तो अच्छे से आप इसे डो रेडी कर लें आलू का। तो ये रहा हमारा आलू के पापड़ का डो रेडी हो गया है। अब देख रहे हैं ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा, बिल्कुल स्मूथ है। तो बस अब हम इसे पापड़ रेडी करते हैं। अब हम बनाते हैं आलू के पापड़। इसके लिए हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाएंगे और मैं यहाँ पे पॉलीथिन का यूज कर रही हूँ क्योंकि बिना पॉलीथिन के तो ये बनेगा नहीं। तो इसमें भी थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे इस तरीके से ताकि पापड़ इजीली निकल आए। अब हम छोटा सा लोई लेंगे इस तरीके से, आपको जितने भी बड़ा साइज का बनाना हो उसके हिसाब से आप लीजिए। इसे मैं इस तरीके से साइड में रखूंगी क्योंकि पॉलीथिन छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रखना। तो अब मैं इसे पॉलीथिन में इसे रख दिया मैंने और एक इसकी दूसरी साइड को इसके ऊपर रखेंगे। और मैं इस प्लेट का यूज कर रही हूँ तो इस प्लेट की हेल्प से मैं इसके ऊपर बीचों बीच लोहे के ऊपर रखूंगी और इसे प्रेस कर दूंगी। इस तरीके से मैंने इसे प्रेस कर दिया। तो ये देखिए पापड़ हमारा रेडी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे ये मोटा है तो थोड़ा सा इसे घुमा दें इस तरीके से। तो मैं ज्यादा पतला पापड़ नहीं बनाती क्योंकि मेरे यहाँ कोई बहुत ज्यादा पतला पापड़ पसंद नहीं करता। तो इस पापड़ की थिकनेस बहुत सही है और बहुत सही बना है। तो अब मैं इसे लेके इसे कॉटन के कपड़े के ऊपर इसे हम डाल देंगे।
तो यहाँ पर मैंने एक टेबल में कॉटन का चादर बिछाया हुआ है और इस पापड़ को मैं इसे इस तरीके से रख दूंगी और इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे और इस पॉलीथिन को इजीली हम निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हम सभी पापड़ रेडी करके कपड़े पे डाल देंगे। इस बार मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना दिखाती हूँ हाथों से। तो लोई हमें लेना है और इसे रख देना है और इसके ऊपर से हम पॉलीथिन ढकेंगे। तो हथेलियों की हेल्प से हम इसे चपटा करेंगे और फिर फिंगर की हेल्प से हम इसे फैलाएंगे। इसे हमें अच्छे तरीके से फैला देना है। आपको जैसा भी शेप चाहिए पापड़ का, जितना भी थिकनेस चाहिए, आप उंगली की हेल्प से उसे फैला सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा गोल तो नहीं बनेगा, मगर पापड़ परफेक्ट बन जाएगा आपका, जैसा आपको चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पापड़ हमारा बन गया है। हाथों की हेल्प से मैंने इसे बनाया है। तो अब मैं इसे डाल देती हूँ चादर पे। तो हमारे सारे आलू के पापड़ बन गए हैं और ये एक लास्ट है, तो मैं इसको इस तरीके से डाल दूंगी। तो अब हम इन्हें धूप में 2 से 3 दिनों तक अच्छे से ड्राई होने देंगे। जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाते, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं 3 दिनों के बाद। तो 3 दिनों के इंतजार के बाद हमारे आलू के पापड़ रेडी हैं। ये देखिए कितने क्रंची और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें हल्दी ऐड किया गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल है। तो अब हम इन्हें फ्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो गया है। तो मैं एक पापड़ डालकर चेक करूंगी कि कितना गर्म है। हमें ज्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, क्योंकि पापड़ है, इसे इजिली जो है निकालना होता है। तो इसके लिए हम जो है ये स्पैचुला का यूज नहीं करेंगे, हम चिमटे का यूज करेंगे। तो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं आलू का एक पापड़ डालूंगी और इसे इस तरीके से हमें फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, जिससे हमें जल्दी से निकाल लेना है। तो हम और भी पापड़ फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके फ्राई करना है आपको, ताकि पापड़ जले ना। आलू का पापड़ तलना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आता, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं जो है सारे पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये रहे आलू के पापड़ जो कि मैंने फ्राई कर लिए हैं और काफी क्रिस्पी हैं और टेस्टी हैं। तो आप भी इसी तरह से आलू के पापड़ बनाइए, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। रेसिपी को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल विदान किचन इंदौर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज के लिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।